संपदः लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातकसुरा धन्वंतरिश्चंद्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आयुर्वेद पद्धति, प्राकृतिक चिकित्सा और योग के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लाइफस्टाइल बीमारियों की, गलत खानपान, निष्क्रिय और बिगड़ी जीवन शैली के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को लाइफस्टाइल बीमारी कहा जाता है। बिगड़ी लाइफस्टाइल और खानपान की बीमारियां डायबिटीज, फैटी लीवर, गुर्दा रोग, मोटापा, पेट रोग, हाई कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने में एलोपैथिक से मायूस लोग अब आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में अपने रोगों का निदान ढूंढ रहे हैं। बदलती जीवन शैली में इंसान जल्दी राहत के लिए अलग अलग और सहज पद्धतियां अपना रहे हैं, लेकिन असाध्य बीमारियों को जड़ से मिटाने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति रामबाण है। खास बात यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आयुर्वेदिक तरीके से स्वास्थ्य को बीमारियों से बचाया जा सकता है। चर्चा शुरू करने से पहले हम अपने आज के मेहमान का आप सभी से परिचय कराते हैं। आज के हमारे खास मेहमान जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, डॉक्टर नवीन चंद्र जोशी जी। डॉक्टर जोशी ने रशा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास कार्यक्रम में। अब डॉक्टर जोशी जी का हम आपको परिचय दे देते हैं पूरा। डॉक्टर जोशी ने रसायन शास्त्र में बीएससी ऑनर्स वर्ष 1993 में किया है। 1998 में आयुर्वेदाचार्य की उपाधि राज्य के आयुर्वेदिक कॉलेज गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से प्राप्त की है। फिर एमडी आयुर्वेद काया चिकित्सा विषय और योग एवं प्रिवेंटिव एवं प्रोमोटिव हेल्थ केयर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने हासिल किया है। आपने 2014 से लेकर अब तक भारत के कई राज्यों में मर्म चिकित्सा, नाड़ी परीक्षा, पंचकर्म चिकित्सा सहित कई वर्कशॉप भी आयोजित किए हैं। सबसे लंबे समय तक ऑनलाइन वेबिनार कराने के कारण आपका नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। इन्हीं सभी कार्यों को देखते हुए आपको धन्वंतरी अवार्ड, कुमाऊं केसरी अवार्ड, उत्तराखंड रत्नश्री ऐसे अनेक अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये था डॉक्टर जोशी जी का परिचय। अगर लाइफस्टाइल बीमारियों से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है, तो आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातकसुरा धन्वंतरिश्चंद्रमा। तो आप कॉल कर सकते हैं और आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर पर आप कॉल करें। एक बार आपको नंबर बता देते हैं 0120612739 और इसके अलावा हमारा दूसरा नंबर भी आप नोट कर लीजिए 0120612739 सर, मौसम जो है वो सर्दियों का शुरू हो चुका है और ऐसे में सर्दियों के मौसम में अपना ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो सर्दियों के मौसम में दस्तक दे सकती हैं? कैसे हम सावधान रह सकते हैं? जी, सर्दियों के मौसम में हम अक्सर वायरल या विषाणु के संक्रमण से पीड़ित होते हैं, जिसमें गले की समस्या है, हमारे श्वसन संस्थान की समस्या है। होता यूं है कि जैसा आपने बताया कि लाइफस्टाइल हमारी सर्दियों के समय में सेडेंटरी हो जाती है, यानी हम बहुत ज्यादा शिथिल हो जाते हैं और हम अपनी दैनिक दिनचर्या में अपनी सक्रियता को कम कर लेते हैं। ऐसे में रोगों के होने की संभावना बढ़ जाती है, तो बेहतर यह है कि हमें सर्दियों में भी सक्रिय होना चाहिए। एक और दूसरी बात कि हम ऋतु संधि के काल से गुजरते हैं। इस वक्त ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु, तो हम आने वाली ऋतु के जो आहार विहार यानी रहन सहन लाइफस्टाइल को हमें धीरे धीरे अडॉप्ट करना चाहिए और जाने वाली जो जा रही ऋतु उसके आहार विहार लाइफस्टाइल को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। होता यूं है कि हम अचानक से हमें गर्मी लगती है तो हम कपड़े ठीक से नहीं पहनते, और अचानक से हमें सर्दी लगती है तो हम फिर कपड़े पहन लेते हैं, जिससे बॉडी धीरे धीरे अडॉप्ट करता है और इस कारण से बहुत सारे संक्रमण इस दौरान होने की संभावना बनी रहती है।
बिल्कुल, अभी आपने सही कहा और स्थिति अभी ऐसी ही है कि कुछ लोग अभी एसी का इस्तेमाल करते हैं, कभी गर्मी लगती है, कभी सर्दी लगती है, समझ नहीं आता है कि आखिरकार क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसी सिचुएशन में सर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि जिस तरीके से सर्दी का मौसम अब शुरू हो चुका है, लाइफस्टाइल कैसा रहना चाहिए, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर पूरी तरीके से हमें अब प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जी, जैसा कि आपने कहा कि एसी तो अब कोई जरूरत नहीं है उसकी, और जितना ज्यादा हम प्रकृति के करीब रहेंगे, हम अपनी नेचुरल प्राकृतिक दिनचर्या, प्राकृतिक रहन सहन, प्राकृतिक खान पान पर रहेंगे, उतना ज्यादा हम लोगों से बचे रहेंगे। तो सर्दियों में अब आपने, एक तो सबसे बड़ी बात है जो हम घूमना, जो हम मॉर्निंग वॉक लोग करते हैं या सुबह प्रातः काल की सैर करते हैं, कई बार उसको बंद कर देते हैं। तो सर्दियों में भी हमें उतनी ही सक्रियता रखनी चाहिए। हाँ, बुजुर्ग हैं अगर तो उन्हें थोड़ा सा धूप निकलने के बाद वो घूमे, लेकिन प्रातः काल जो अपनी दिनचर्या है जिसमें योग है, प्राणायाम है, आसनों का अभ्यास है, ये निरंतर जारी रखना चाहिए। इसके अलावा हम जो खान पान में जो पहले खान पान लेते थे, क्योंकि सर्दियों में सबसे ज्यादा बल होता है शरीर का, इस वक्त हमारी अग्नि जो है वो बढ़िया रहती है, वो कैसे भी भारी आहार को पचा लेती है। तो आप धीरे धीरे जो आपका आहार है वो भी थोड़ा सा कैलोरी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन हाँ इतना ध्यान दीजिएगा जितना कैलोरी हम कंज्यूम कर रहे हो उसी अनुसार से हमारी सक्रियता भी रहनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में हम बहुत ज्यादा अपने मेटाबॉलिज्म पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, हम अपनी सक्रियता को कम कर देते हैं, तो इन पर ध्यान देने की विशेष रूप से आवश्यकता है। सर, अभी आपने बुजुर्गों को लेकर यहाँ पर बात की, तो अक्सर हम देखते हैं सर्दियों के मौसम में बुजुर्गों को शिकायत होती है कि उनके जोड़ों में, घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो इसके लिए आयुर्वेद में क्या कुछ उपचार है, क्या कुछ उपाय वो कर सकते हैं? एक्चुअली जो बुजुर्ग होते हैं, जब हम अपनी आयु की वृद्धावस्था में होते हैं, तो वात दोष बढ़ जाता है, वात दोष शीतलता से और अधिक बढ़ता है, क्योंकि वात का गुण ही शीतलता है। तो बुजुर्गों को ज्यादा समस्याएं इस वक्त वात से संबंधित होती है, जो प्रायः जोड़ों के दर्द के रूप में, सूजन के रूप में, और साथ साथ जो बुढ़ापा है वो स्वयं में हमारी हड्डियों को कमजोर कर देता है। तो ऐसे में हमारे जो वृद्ध लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उन्हें एक तो पहली बात है कि वात के प्रकोप को होने देने से बचाना होगा। तो पहली बात तो कपड़े पूरे पहनने होंगे, पहली बात। दूसरा, जो स्थान एक्सपोज रहता है जैसे जोड़ों का, उन स्थानों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तीसरी चीज, आपको यदि वहां पर दर्द है, सूजन है, तो आप सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें, साथ साथ थोड़ा आयुर्वेदिक तेल का आप मसाज कर सकते हैं यदि वो संधिवात जैसी स्थिति है। हाँ, अगर दूसरे प्रकार की स्थिति है तो चिकित्सक की सलाह लेकर के आप वहां पर कुछ और उपचार ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे रसायन हैं हमारे पास जो वृद्धावस्था में बहुत अच्छा काम करते हैं, जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में काम करते हैं। ऐसे रसायन औषधियों का सेवन हमें उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर प्रारंभ कर देना चाहिए, जिससे कि हमें इस प्रकार की जोड़ों से संबंधित समस्या या वात से संबंधित समस्या कम से कम हो सके। ये तो सर यहाँ पर बुजुर्गों को लेकर बात हुई। एक और अहम सवाल, हमने अक्सर देखा है कि बहुत लोगों की शिकायत रहती है, जैसे कि कई लोग बताते हैं कि उनका अब से 2 साल पहले, 4 साल पहले या 6 साल पहले एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब सर्दी का मौसम आता है तो वो चोट उनकी फिर से बहुत ज्यादा दर्द करने लगती है, उसको काफी तकलीफ होती है, ऐसा क्यों होता है, और अगर ऐसी दिक्कत है तो उसके लिए आयुर्वेद क्या कुछ कहता है, क्या कुछ कर सकते हैं इस दौरान कि वो चोट जिंदगी भर के लिए ठीक हो जाए? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जिस स्थान में भी चोट लगता है, वो स्थान आघात होने के कारण वहां जो हमारी वात, जो वात एक साम्य अवस्था में होती है, वो वात बिगड़ जाती है, वो प्रकुपित अवस्था में हो जाती है। और निश्चित रूप से मैंने जैसा कि बताया कि सर्दियों के मौसम में वात स्वाभाविक रूप से बढ़ता है शरीर में, तो ऐसे जगहों में जहाँ पहले कभी चोट लगी थी, जिसे हम गुम चोट कहते हैं, वो एकदम से उभर कर सामने आ जाती है जी। तो ऐसी अवस्था में हमें उन चोटों की जगहों पर भी स्थानिक लक्षणों के अनुसार उपचार करने की आवश्यकता है। यदि वहां पर एक बहुत अच्छी विद्या है हमारे पास, जिसे मर्म चिकित्सा कहते हैं, तो मर्म चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए।
तीसरी चीज जो है, हमारे पास बहुत बेहतरीन औषधियां हैं जो वेदना का शमन करती हैं, लकी जैसी औषधियां हैं, गुगुलू जैसी औषधियां हैं, जिनका चिकित्सक के निर्देशन में प्रयोग करना चाहिए। सर बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और ये जो मैंने सवाल किया था ये कहीं ना कहीं मुझसे भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि कुछ साल पहले मेरा भी एक्सीडेंट हुआ, तो सर्दी के मौसम में अक्सर मेरी जो वो चोट है वो काफी दर्द करती है, तो मुझे भी मेरे सवाल का यहाँ पर जवाब मिल गया। और हमारे स्टूडियो से एक और सवाल है जो कि हमारे कैमरा पर्सन ने किया है, उनका कहना है कि उनको रात को खराटे सर्दी के टाइम पर बहुत ज्यादा आते हैं, और वो मुझे लगता है कि सिर्फ इनका ही सवाल नहीं है, जो कार्यक्रम देख रहे हैं दर्शक, बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जिनका ये सवाल होगा, तो वो क्या कर सकते हैं, आयुर्वेद में क्या इसका इलाज है? बिल्कुल है, खराटे एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये हमें सामाजिक रूप से भी अलग कर देती है। अगर हम कहीं पब्लिक डोमेन में अगर हम खराटे लेते हैं तो सामने वाला व्यक्ति सो नहीं पाता, तो ऐसे में हमारे आयुर्वेद में एक बहुत बढ़िया इसका उपचार है, नस्य बोलते हैं इसे, हम पंचकर्म में नस्य कहते हैं, प्रतिमर्श नस्य, दो बूंद अगर आप नाक में लिया जाए तो ये खराटे की समस्या बिल्कुल कम हो जाती है। दूसरा, एक हमारे नाक के नीचे ये फणा नाम का मर्म होता है, तो अपनी छोटी उंगली से इस मर्म स्थान को यदि प्रेस करें और रिलीज करें, प्रेस करें और रिलीज करें, प्रेस करें और रिलीज करें 5 से 8 बार नित्य, तो खराटे जैसी समस्या बिल्कुल नहीं होगी, तुरंत इसका निदान हो जाता है। तो नस्य और मर्म, फणा मर्म दोनों का उत्पीड़न खराटे जैसी समस्याओं के लिए अत्यंत लाभप्रद है। बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान आपने यहाँ पर कर दिया, लेकिन बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं। तो आज हम लाइफस्टाइल बीमारियों को लेकर चर्चा कर रहे हैं और ज्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं डॉक्टर नवीन चंद्र जोशी जी। सर, वातावरण प्रदूषण कितना जिम्मेदार है लाइफस्टाइल बीमारियों के लिए? जी, वातावरण में आ रहा प्रदूषण बहुत जीवन शैली से संबंधित समस्याओं के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि हम नासिका से सांस लेते हैं और ये सांस हमारे मस्तिष्क, हमारे फेफड़े से होकर के रक्त के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचता है। तो यदि हम सांसों में ही गलत प्रकार के पदार्थों को हम लेंगे तो शरीर की एक निश्चित सीमा है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको रोक पाएगी, प्रतिकार कर पाएगी। आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में धूल और धुआं ये एक बहुत बड़ा कारण है, हालांकि भगवान ने, ईश्वर ने हमारे नासिका में इसके लिए बचाव के लिए तमाम सारे उपाय किए, लेकिन फिर भी जो पॉल्यूशन है ये आज जीवन शैली से संबंधित बड़ी समस्या बनता जा रहा है, क्योंकि लोग अगर प्रातःकाल भ्रमण करने भी जाते हैं तो कोहरे में जो स्मोक जो है, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स, वो कहीं ना कहीं नासिका से अंदर जाते हैं, और जिनको अस्थमा या दमा जैसी तकलीफ होती है उन्हें ऐसी स्थिति में उनकी तकलीफ काफी बढ़ जाती है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अस्थमा की बीमारी काफी देखने को मिलती है सर्दी के इस मौसम में, लेकिन महिलाओं को लेकर भी मैं सर आपसे यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगी, महिलाओं में किस तरह की लाइफस्टाइल बीमारियां होती हैं? जी, महिलाओं में आजकल महिलाओं में भी मधुमेह बहुत कॉमन देखा जा रहा है, जो मधुमेह हम महिलाएं प्रायः काफी चक्रीय जीवन व्यतीत करती हैं, उनका काम काफी ज्यादा होता है, लेकिन ये लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारियां उनमें भी बहुत कॉमन हो रही है। इसके पीछे जो कारण है वो लगातार बैठे रहना, और आजकल जो कामकाजी महिलाएं हैं वो भी कंप्यूटर के सामने निश्चित रूप से लगातार बैठी रहती हैं, जिसकी वजह से बॉडी में एक प्रकार से मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही है, समस्याएं पैदा हो रही है, जिनमें डायबिटीज भी एक, मधुमेह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा महिलाओं में उच्च रक्तचाप भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है, और इस उच्च रक्तचाप की परिणति बाद में हृदय रोगों के रूप में हो जाती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या जो महिलाओं में है वो हार्मोनल प्रॉब्लम है, जिनमें थायराइड की समस्या है। तो ये सब समस्याएं कुल मिला के जीवन शैली से, लाइफस्टाइल से मिली हुई समस्या है। बिल्कुल, आयुर्वेद को लेकर कुछ लोगों की धारणा कोविड से पहले कुछ और थी, लेकिन अब कह सकते हैं कि धारणा एकदम चेंज हो गई है। कुछ लोगों को लगता था कि आयुर्वेदिक चीजें जो हैं वो धीरे धीरे काम करती हैं, लेकिन अब समझ में आ गया है कि हमें आयुर्वेद को हर हाल में अपनाना है, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद ही हमारे लिए सबसे बड़ी रामबाण चीज है। सर, ये बताइए कि लाइफस्टाइल बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक इलाज क्या है? जी, आयुर्वेद हमारी केवल चिकित्सा पद्धति ही नहीं है, ये पूरी जीवन के जीने का विज्ञान है। आप
कैसा आचरण करें, किस प्रकार से आप खाएं, किस प्रकार से आप सोएं, किस प्रकार का व्यवहार करें, ये सब चीजें आयुर्वेद में बताई गई। इसे आयु का विज्ञान कहते हैं। तो जीवन शैली तो इसकी सबसे पहले चरण की स्थिति है, जिसे हम सदव्रत कहते हैं, यानी अच्छा व्रत पालन करना। हमारे यहाँ तो आचार रसायन कहा गया है। व्यक्ति अगर बोलने में अगर किसी को तनाव दे रहा है, क्रोध कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो ये सब भी रसायन की चिकित्सा से विरत हो रहा है। उसे कहते हैं कि सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, क्रोध मत करो, यानी मानसिक एक प्रकार से जो विकार हैं, विकृतियां हैं, उनके इलाज की भी बात करता है। तो जीवन शैली से संबंधित समस्याओं के लिए आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। अब ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है जब प्रातः काल सूर्योदय से पहले आप जग जाएं, फिर आप गुनगुना पानी पिए, फिर आप व्यायाम और योग को अपनाएं, यानी सक्रियता को अपनाएं, किस तरह से आप जो है वो अपने वेगों का धारण न करें, प्रातःकाल सभी अच्छे आचार के साथ दैनिक अपनी सभी सुचितापूर्ण क्रियाओं को पूरी करें, इन सब कार्य, इन सभी के बारे में विस्तार से वर्णन आयुर्वेद में मिलता है। तो आयुर्वेद में जीवन शैली के जो जो समस्याएं हैं उनका बहुत निराकरण बहुत आसानी से दिया गया है। यूं कहें कि अगर आयुर्वेद के अनुसार हम अपनी जीवन शैली का पालन करते हैं तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे, यानी जीवन शैली को हम उन्नत बना सकेंगे। और ये आज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि इलनेस से वेलनेस की तरफ लोग तभी जाएंगे जब आयुर्वेद की जीवन चर्या, ऋतुचर्या और दिनचर्या को अपनाएंगे। बिल्कुल, और आयुर्वेद तो ये भी कहता है कि भोजन जो है वो सही समय पर होना चाहिए। तो भोजन सही समय पर तो होना चाहिए, लेकिन जैसे कि मौसम बदला है, कैसा भोजन होना चाहिए, लाइफस्टाइल बीमारियों के लिए किस तरह के खान पान की जरूरत है, ये भी हमारे तमाम दर्शकों को बताएं। खान पान में ये कहा जाता है कि आप अपने, हम लोग भोजन करने के तत्काल बाद सो जाते हैं, जैसे हमने तुरंत जाके हम वो नहीं करना है। यहाँ तक कि ये कहा गया है कि अपने उदर के कितने आप 25% हिस्से को ही भरें, बाकी हिस्से को खाली रखें, कितने हिस्से को आप जल से भरें, ये बात बताया, कितने हिस्से को अन्न से भरें, ये बात स्पष्ट रूप से बताई गई है। हमारे खाने का तरीका क्या होना चाहिए, कौन सी ऋतु में क्या लेना है हमने, अगर सर्दियां हैं तो हमें क्या लेना है। तो इस वक्त हमें अपने जीवन शैली में या आहार में थोड़ी सी कैलोरी, यानी कि आप सूखे फल ले सकते हैं जो कैलोरी आपको बढ़ाते हैं, शरीर पोषणता देते हैं। इसी प्रकार से गुनगुना पानी, जो सुपोषण जल जिसे कहा गया है, उसका सेवन कर सकते हैं आप। ये हमारे ब्लड को भी डाइल्यूट करता है। आप जानते होंगे इस समय में बहुत सारे लोगों को हृदय से संबंधित समस्याएं होती हैं, तो इसको दूर करने में गुनगुना पानी बहुत अच्छा दूर करता है। इसी प्रकार से मसाले, मिर्च, तली भुनी चीजों को अवॉइड करना चाहिए, ये अपथ्य है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ कहा गया है कि रात्रि में दही का सेवन ना करें। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें बताई गई है जो लाइफस्टाइल और ऋतु के अनुसार हमें पथ्य के रूप में, और जो नहीं लेनी है उन्हें अपथ्य के रूप में वर्गीकृत किया है। जी, चलते चलते एक और सवाल डॉक्टर साहब आपसे। कहा जाता है कि रहो निरोग, करो हमेशा योग, तो लाइफस्टाइल बीमारियों में योग कितना राहत पहुंचाता है, कौन कौन सा योग करना चाहिए? और योग जो है वो हमको जोड़ता है लोगों से। तो लाइफस्टाइल डिजीज में हमें आसनों का अभ्यास करना चाहिए। भोजन के बाद हम वज्रासन में बैठें, इसी प्रकार से प्रातःकाल हम ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, सुप्त वज्रासन, और इसी प्रकार से सवासन, ध्यान की प्रक्रियाओं में हम प्राणायाम को करें, और साथ साथ हम त्राटक की प्रक्रिया करें। बच्चों में ये कराना चाहिए, इससे उनका, उनकी जो एक कॉन्सेंट्रेशन है उनका, वो बढ़ता है। इसके अलावा कुछ ना करें तो आप कुछ पैदल आप चलें सुबह, प्रातःकाल आप 1.5 किलोमीटर आप निश्चित रूप से चलें। अगर आप बुजुर्ग हैं तो धीरे धीरे चलें, लेकिन हमें अपनी सक्रियता बरकरार रखनी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीन जोशी जी, इतनी अच्छी जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को देने के लिए। और इसी के साथ आयुष्मान भव में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।